जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में पत्थरबाजों ने की आतंकियों के भागने में मदद। हाजन इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया था। ऑपरेशन में 1 जवान और 3 पुलिसकर्मी जख्मी। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, 3 घायल। इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। जम्मू कश्मीर में पुंछ के केजी सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। पाकिस्तान की फायरिंग में नायब सूबेदार जगराम सिंह तोमर शहीद। मध्य प्रदेश के मुरैना के रहने वाले थे तोमर। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सेना ने आतंकी जुबैर तुर्की की तलाशी के लिए पोस्टर लगाकर लोगों से जानकारी देने की अपील की। सूचना देने वालों को इनाम देने का ऐलान। मासूमों की मौत के बाद गोरखपुर में करीब 31,000 किलो ऑक्सीजन लेकर टैंकर पहुंचा। गोरखपुर के बीआरडी कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 48 घंटे में 36 बच्चों की मौत हो चुकी है। गोरखपुर कांड के 52 घंटे बाद शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने तोड़ी चुप्पी। ऑक्सीजन की कमी से मौत की थ्योरी को नकारा। पुराने आंकड़े पेश कर अलग अलग कारणों को बताया बच्चों की मौत की वजह। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा ऑक्सीजन की कमी से मौत जघन्य कृत्य, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन की कमी मौत की वजह नहीं, अगस्त में बच्चे मरते ही हैं। मरने वाले एक एक बच्चे का हमें दर्द है। सीएम योगी ने मौत के आंकड़ों को लेकर मीडिया पर भी सवाल उठाए। कहा तथ्यों को मीडिया सही तरीके से पेश करे, बच्चों की मौत के आंकड़े अलग अलग दिन के हैं। सीएम योगी ने कहा हादसे की मजिस्ट्रेट जांच जारी है, कुछ दोषियों पर कार्रवाई हुई, बाकी को भी नहीं बख्शेंगे। सप्लायर की भूमिका की जांच चीफ सेक्रेटरी की कमेटी करेगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर दौरे के दौरान इंसेफ्लाइटिस पर मैंने बीआरडी कॉलेज में 3 घंटे तक बैठक की थी, लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई की कमी के बारे में उन्हें किसी ने नहीं बताया। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा हमारी सरकार संवेदनशील, बच्चों की मौतों को कम नहीं आंक रहे, लेकिन सिर्फ गैस सप्लाई की वजह से मौतें नहीं। लापरवाही के आरोप में निलंबित किए गए बीआरडी मेडिकल अस्पताल के प्रिंसिपल राजीव मिश्रा ने कहा मैंने घटना की जिम्मेदारी लेते हुए पहले ही छोड़ दिया था पद, मेरे ऊपर लापरवाही के आरोप बेबुनियाद। बच्चों की मौत मामले में बड़ा खुलासा, अस्पताल के कर्मचारी ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग को 10 अगस्त को चिट्ठी लिखकर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने की जानकारी दी थी। चिट्ठी में बच्चों की जान पर खतरे को लेकर चेताया गया था। गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में 7 अगस्त से अब तक 63 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिनमें 36 बच्चों की मौत ऑक्सीजन नहीं मिलने से हुई, बाकी बच्चों की मौत इंसेफेलाइटिस और दूसरी बीमारियों से हुई। ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी पुष्पा सेल्स ने कहा है कि कॉलेज ने उन्हें 52 लाख रुपए रिलीज कर दिए हैं। मेडिकल कॉलेज पर सप्लायर का 63 लाख रुपए बकाया था। गोरखपुर के जिस बीआरडी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी होने से 36 बच्चों की मौत हुई है, वहां जनवरी 2017 से अब तक 6,200 लोग एडमिट हुए, जिनमें 527 की मौत हो गई। गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन गैस नहीं। एबीपी न्यूज ने ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया तो ऑक्सीजन गैस का मीटर 0 दिखाई दिया। गोरखपुर अस्पताल के बाहर तस्वीरें झकझोर देने वाली दिखाई दी। अपनी पोती की मौत से एक दादा बदहवास रोते दिखाई दिए। रोते बिलखते कहा कम से कम हमारी बच्ची का पोस्टमार्टम तो मत करो। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में देवरिया की 7 साल की प्रतिज्ञा की भी हुई मौत। प्रतिज्ञा के पिता ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। मासूम की मां का रो रो कर बुरा हाल। ऑक्सीजन की कमी से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में बस्ती के 3 मासूमों की हुई मौत। 10 दिन के बच्चे की मौत के बाद अस्पताल ने पीड़ित पिता को थमाया डेथ सर्टिफिकेट। गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में बच्चों की मौत से प्रधानमंत्री मोदी भी चिंतित। पीएम ने भी पूरी मदद का भरोसा दिया। राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल और स्वास्थ्य सचिव अस्पताल का दौरा करेंगे। गोरखपुर के अस्पताल में 36 बच्चों की मौत के विरोध में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। मृतक मासूम बच्चों की आत्मा की शांति के लिए दुआ मांगी। लखनऊ में सीपीआई कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के सामने निकाला पैदल मार्च। गोरखपुर हादसे पर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांगा। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की। यूपी के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए। बच्चों की मौत को बताया नरसंहार, ऑक्सीजन की कमी को ही बच्चों की मौत की वजह माना। एबीपी न्यूज ने गाजीपुर के जिला अस्पताल का किया रियलिटी चेक। 150 बेड के अस्पताल में महज 30 से 35 ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद। 26 डॉक्टरों की जगह महज 17 डॉक्टर तैनात। यूपी के गोंडा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। कैंडल की रोशनी में कराया जाता है महिला का प्रसव। जननी सुरक्षा वार्ड में लाइट और इन्वर्टर तक का इंतजाम नहीं। यूपी के हाथरस में सरकारी अस्पताल में सांप के काटने वाली महिला का इलाज झाड़फूंक वाला बाबा कर रहा। कैमरे में तस्वीर कैद होने के बाद अस्पताल प्रशासन ने बाबा को बाहर का रास्ता दिखाया। यूपी के मऊ में प्रसव पीड़ा से परेशान महिला को अस्पताल ने नहीं किया एडमिट। सड़क पर ही बच्चे को दिया जन्म। डिलीवरी होने के बाद अस्पताल ने किया रजिस्ट्रेशन, लेकिन दवा बाहर से मंगाई।
बिहार में 700 करोड़ रुपए का एनजीओ घोटाला सामने आया। भागलपुर में डीएम के फर्जी दस्तखत से अलग अलग विभागों का फंड एनजीओ को भेजने का आरोप। जिला अधिकारी के स्टेनो समेत 7 लोग गिरफ्तार। लालू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट कर आरोपी मनोरमा देवी की नीतीश कुमार, सुशील मोदी, गिरिराज सिंह और शाहनवाज हुसैन के साथ फोटो दिखाई। सुशील मोदी पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए मांगा इस्तीफा। राज्यसभा में जेडीयू नेता के पद से शरद यादव की छुट्टी। आरसीपी सिंह होंगे राज्यसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता। 9 सांसदों ने नीतीश से शरद यादव की शिकायत की थी। बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार बनने के बाद केंद्र में भी जेडीयू एनडीए में होगी शामिल। सूत्रों के मुताबिक 19 अगस्त को हो सकता है ऐलान। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, कहा महागठबंधन से अलग होने से पहले शरद यादव को दिल्ली में मुलाकात कर सीएम नीतीश ने पूरी जानकारी दी थी। बिहार में बीजेपी जेडीयू सरकार बनने के बाद अब राज्य को विशेष पैकेज देने की प्रक्रिया में तेजी। सूत्रों के मुताबिक इस महीने के आखिर में सीएम नीतीश दिल्ली आकर प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे चर्चा। अमित शाह के कर्नाटक दौरे का आज दूसरा दिन। कल अमित शाह ने अब की बार बीजेपी सरकार का नारा दिया। कहा येदियुरप्पा के नेतृत्व में बीजेपी कर्नाटक में जीतेगी विधानसभा चुनाव। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।